बाबा की मुरली में कई दिन से एक बात आ रही है बच्चे थक जाते हैं आ रही है ना तो पहले चर्चा करेंगे क्यों थकते हैं कौन थकाते हैं कौन थकाते हैं व्यर्थ संकल्प और हाँ ये अच्छी बात है रोज सवेरे उठना थक गए हम तो सोने ही नहीं देता बाबा रोज मुरली सुनो बारिश हो रही है तबीयत ढीली है थक गए कभी परिवारों में कुछ है बच्चे नहीं चाहते हम जाएं तो रूटीन ये भी थकाता है आज क्या आया था मुरली में आज तो कला की अच्छी बात थी लेकिन थकाने वाली चीजें सेवाओं में निंदा स्तुति होती है मान अपमान होता है तो थकान होती है बड़ी नेचुरल सी बात होती है जिस फील्ड में मनुष्य हो वहाँ कुछ उसे सुनना पड़ रहा हो तो सुनने की भी एक सीमा होती है थकान हो जाती है पीछे मुरलियों में यह भी आया कि संशय आ जाता है बच्चों को कौन पढ़ाता है और माया को जीत नहीं पाते इसलिए थकान हो जाती है कुछ मिस करने लगते हैं तो बाबा की ये श्रेष्ठ कामना है कि तुम बच्चों को थकना नहीं है थकते हैं कन्याएं तो नहीं थकती होंगी यदि नींद ज़्यादा आती है सवेरे मीठी नींद नींद का मज़ा ही अमृत पेले है तभी उठा दिया जाता है लेकिन उठने का आनंद नींद से बहुत ज़बरदस्त है वो रस वो सुख यदि आत्मा को मिलने लगे तो फिर उठना नेचुरल हो जाता है आज बाबा ने मान अपमान की बात में किसका उदाहरण दिया श्री कृष्ण का सबसे अच्छी महिमा भी उसकी और सबसे अच्छी ग्लानी भी हम बुरी तो नहीं कहेंगे संसार की जो नंबर वन आत्मा है उसकी ग्लानी हुई जो को लिखा हुआ है उसमें भी जहाँ तहा उसको किसी ने ग्वाला कहा किसी ने चोर कहा बहुत बहादुर होते हुए भी जो किसी युद्ध में किसी से परास्त नहीं हुआ जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ थी तो भी बहुत ग्लानी दिखाई गई है लेकिन क्या दिखाया गया श्री कृष्ण का अचल अडोल स्थिति न क्रोध न विचलित न उन चीज़ों का इफेक्ट श्री कृष्ण के चरित्र यदि हम पढ़ें वो छोटे चरित्र दिखाते हैं जो किताबों में आ जाते हैं ना इसको मारा उसको मारा मक्खन चुरा ये किया ये छोटे पर जो उसके श्रेष्ठ चरित्र हैं बड़े होने पर वो सचमुच बहुत सुंदर हैं मुझे मिल जाते हैं कहीं कहीं ऐसी लिखी हुई किताबें पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर पहुंची हुई आत्मा कैसे अचल डोल अविचलित रहती है मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोग क्या बोल रहे हैं इस सबसे ऊपर जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो करना है निर्भयता पूर्वक करना है मोहा होकर करना है निष्पक्ष होकर करना है कोई भेदभाव नहीं तो जब सबसे महान आत्मा की भी बहुत ग्लानी हुई तो अगर हमारी होती है तो ब्रह्मा बाबा शुरू से आप देखो शिव बाबा को तो कोई जानता ही नहीं था गुप्त था सारी गाली ब्रह्मा बाबा को ये दादा को पता नहीं क्या हो गया है इसका दिमाग खराब हो गया है इसने हलचल मचा दी है सारे सिंध में कितने कितने षड्यंत्र उनके विरुद्ध हुए क्या क्या कहा गया उन्हें जो आत्मसंपर्ण पवित्र जो पवित्रता के लिए ही सब कुछ छोड़ चुके पवित्र बनने के लिए ही आत्माएं जिनके पास आ रही थी उनकी पवित्रता के लिए भी कलंक लगाए गए लेकिन बाबा को अपने में विश्वास जिसने ये कार्य दिया है और जो बैकबोन है उसमें संपूर्ण विश्वास ये कार्य संपन्न होना ही है इसमें संपूर्ण विश्वास इसलिए अच्छा लडोल स्थिति सबसे बड़ा पार्ट कौन सा चला बाबा की परीक्षा का बैगरी पार्ट जिसको हम सोच भी नहीं सकते कल्पना भी नहीं कर सकते किसी बाप के घर में सौ बच्चे बीमार हों और उनके पास पैसा ही ना हो दवाई खिलाने का सुनी होगी आपने ये कहानी लूजमौसन हो गया सबको आबू में आए ठंड बहुत थी तभी यहाँ चाय पिलाना शुरू किया था चाय नहीं पीते थे कोई यज्ञ में ठंड बहुत थी तो डॉक्टरों ने राय दी यहां चाय पीनी ही चाहिए तो लूज मोशन हो गया सबको अब पैसे तो इतने थे ही नहीं यज्ञ में सुना दो जरा सी कहानी कहाँ काहन गए थे पैसे किसी सिंधी ने मुंबई से निमंत्रण दिया कि आप आ जाओ शिफ्ट करके सारा पैसा हम देंगे ये उनकी चालाकी थी बाबा के पास जो था वो खर्च हुआ उन्होंने आते ही मना कर दिया हम नहीं देंगे थोड़ा पैसा बचा था अब इतने लोग खाने वाले मकान किराए पर सब खत्म हो गया तो दवाई आई थोड़ी सी थोड़ी सी गोलियाँ आई और शिव बाबा आ गए और बाबा ने कहा आधी आधी करके सबको खिला दो सत्तर लोगों को लूज मोशन था आधी आधी खिला दी गई और सभी ठीक हो गए एक बार ऐसे ही लूज मोशन था अब और खाना तो था नहीं का छाछ और बाजरे की रोटी उसको डोडा कहते हैं छाछ डोडा वो खिला दो ठीक हो गया सब तो बाबा जैसे सब की रक्षा करता आया इसलिए ब्रह्मा बाबा बहुत अचल डोल थे और ब्रह्मा बाबा समझ रहे थे कि शिव बाबा परीक्षा ले रहा है आगे का पार्ट कुछ और है वो तब तक नहीं पता था उसके लिए बाबा तैयार कर रहा है सबको तो हम सब भी अपने को बहुत ही स्ट्रोंग करें छोटी छोटी बातों में घबराएं नहीं पढ़ाई से थकें नहीं बहुत लोग थक कर वापिस जा चुके हैं ये बाबा ऐसे ही नहीं बोलता अगर ब्राह्मण अब बारह लाख हैं तो बारह ही लाख बाहर गए हुए हैं वो फट से के आएंगे अब जैसे ही जय जयकार शुरू होगी एक झटके में सब आएंगे और क्या कहेंगे हम तो बाबा को याद करते थे भले ही करते थे या नहीं करते थे हम तो यहीं के थे तो ये सही अब तेजी से बदलने वाला है कई लोग सोचते हैं ना इतने सालों में बारह लाख तैयार हुए तो तैतीस करोड़ होने में तो पांच हजार साल लग जाएंगे मनुष्य सोचता तो है ना लेकिन क्या होगा बाबा ने सब बातें मूल्यों में बोली हैं मेहनत हो रही है राजा रानी तैयार करने में महान आत्माएं तैयार करने में मेहनत हो रही है बाबा मेहनत करा रहा है ऐसे भी कहें लीडर तैयार कर रहा है बाबा और जब राजा रानी तैयार हो जाएंगे तो बाबा ने कहा था एक एक दिन में प्रजा आ जाएगी देर नहीं लगेगी एक, एक दिन में करोड़ बढ़ेगी संख्या क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी प्रदर्शनियाँ म्यूजियम मेले उनको समझने वाले कितने लोग होंगे कई करोड़ और उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि यही सत्य है लेकिन हम चल नहीं सकते हम कुछ कर नहीं सकते वो सब फटाफट भाग आएंगे जैसे ही प्रत्यक्षता शुरू होगी एक एक दिन में हम देखेंगे लाख ब्राह्मण बढ़ रहे हैं, जै जयकार हो रही है लेकिन सेवा किससे होगी हम्म मूल्यों में सब आ रहा है ये वरदानों में स्लोगन्स वरदान में ये सब बातें आ रही हैं पिछले एक मास से भी और अगले एक मास तक भी हैं दृष्टि से बहुत सेवा होगी वाइब्रेशन से बहुत सेवा होगी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा होगी तो हम सभी अभी से अपने को तैयार करें थकेंगे नहीं मन न थके तन नहीं थकता है थकता है मनुष्य का मन देखो लौकिक में भी कई लोग थकते हैं आते हैं भाई बहने हमारे पास ये समस्या ये समस्या ये समस्या हम तो थक गए जीवन से ही थक गए ऐसे बहुत लोग थके हैं अब ये थकान उतर रही है और हम सब को ये पता हो हमारे वाइब्रेशंस न जाने क्या क्या करेंगे थके हुए लोगों को नया जीवन देंगे जो तनाव में जी रहे हैं उन्हें रिलैक्स करेंगे अब ये होगा ये काम हमें कुछ करना नहीं होगा हमें केवल इधर उधर से अपनी बुद्धि को निकाल कर लगना है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें आने वाले समय के लिए साक्षी भाव में रहना अभी इसे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है कि जो कुछ होगा वो तो होगा उसको कोई बदल नहीं पाएगा हमें सकास भी देनी होगी और साक्षी भी होना होगा मूल्यों में सब बहुत आ रहा है इसलिए सब कुछ अपना ट्रांसफ़र कर दो सतयुग में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो तो हम जानते हैं ना अब सत्युग तो है नहीं ट्रांसफ़र कैसे कर दे ये तो नहीं भाई हमारा घर एक दिल्ली में है एक बॉम्बे में है बॉम्बे का माल सारा दिल्ली में ट्रांसफ़र कर देते हैं अभी यहाँ का माल सत्युग में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे है प्रभु अर्पण मन से सब कुछ तेरा इंश्योर हो गया लोकर में रख दिया गया हमारा सारा माल और पदम गुना होकर हमें प्राप्ति हो जाएगी तो थोड़ा सा विचार कर लें मान मिलने पर तो सभी खुश होते हैं लेकिन अपमान मिलने पर भी हमारी स्थिति गिरे नहीं फीलिंग में ना आ जाए सेवाएं न छोड़ दें पहली चीज कि हम अपने कार्य मान के लिए न कर रहे हों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कई लोग जब बड़ी सेवा करते हैं तो पहला संकल्प ये रहता है कि मेरा नाम हो जाए सब मुझे जान जाए तो क्या मिस हो गया सब बाबा को जाने उससे जुड़े ये इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई और ये बहुत बड़ी मिसिंग है मेरा नाम हो जाए हो जाएगा बाबा ने कहा संगम युग को वरदान है प्रत्यक्ष फल देने का इच्छा है मेरा नाम हो जाए हो जाएगा परंतु नहीं ये गहरी बात सेवा भी नहीं होगी लेकिन बाबा की जो श्रेष्ठ दृष्टि दर, हम पर आनी चाहिए दुआओं भरी दृष्टि प्यार भरी दृष्टि वो नहीं आएगी इसलिए ऐसे लोगों का पुण्य का खाता जमा नहीं होता तो पहली चीज सेवा या कर्म हमें इस इच्छा से नहीं करना चाहिए निष्काम भाव कर रहे हैं हमें पता है ये पुण्य का कार्य है, इसका फल बहुत सुंदर है अगर हम नाम में इसको समेट लें तो हमारे पुण्य भी समाप्त लगते हैं तो नाम पर केंद्रित नहीं कर देना है ऐसे ऐसे लोग हमने देखे बाबा के बच्चे नीचे भी मेला लगाया हुआ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हेलो हैप्पीनेस कुछ है ना ऐसा देखा कही ने बहुत सुंदर मेला है और जो मेले लगते थे उससे भी बहुत इफेक्टिव ज्ञान की बहुत वो नहीं मुख्य ज्ञान की बातें जो हमारी मुख्य है लेकिन स्लोगन्स बहुत हैप्पीनेस कहा न स्टोरी खुशी कैसे इसको प्राप्त करें तो जो भाई जिसने बनाया है वो बिल्कुल गुप्त रहता है और पीछे भी लगाया था जब सम्मान समारोह था ना तब लगाया था फिर कहा था कॉन्फ्रेंस के समय लगाओ तो फिर लगाया है तो मुझे कहता था मुझे तो जहाँ भी मेला होगा आठ घंटे रोज योग में बैठना है और बाकी सब जो कुमार साथ में हैं कुमार रहते हैं कई सारे और सेंटर से भी जहाँ लगता है बहुत सारे कुमार और भाई बहने सेवा में लग जाते हैं तो मैंने कहा बाकी सबको दो दो घंटा टर्न वाइज बैठना है मैंने कहा तुम भी आठ घंटा लगातार ना बैठना भाई इसको भी दो दो घंटे में बांट दो चार बार सबको इस चीज़ का पता भी हो एक माता था ऐसे ही किया अभी उसका केस आया मेरे पास रोज छः घंटे योग में बैठती थी एक ही जगह जमीन पर बिना सपोर्ट लिए हुए पीछे आखिर क्या हो गया अभी लंबा समय बैठ गई कई मास चाहे सालों बैठ गई तो पीछे कुछ मणके होते हैं ना रीढ़ की हड्डी में जुड़ गए अब डॉक्टर कहते भाई इसका कोई इलाज नहीं हो सकता तो लेटने की स्थिति आ गई तो इन चीज़ों को भी हम सबको जानना चाहिए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए इसमें हट नहीं करना होता है बाबा ने कभी ऐसा न खुद किया था न ऐसा सिखाया है कि हम लंबा समय इस तरह हट पूर्वक बैठ जाए इसकी ज़रूरत नहीं ये योग स्मृति स्वरूप होने का योग है मैं एक बाबा की घटना सुनाया करता हूँ फिर आते हैं मान अपमान पर अब एक बाबा की एक घटना सुनाया करता हूँ क्लासेज में सुन लें फिर से बाबा जब छोटा यज्ञ था ना अभी मेडिटेशन हॉल बना ही था पांडव भवन में ओम शांति भवन नहीं तो बाबा जब मुरली चलाते थे मुरली लंबी नहीं चलती थी एक सवा घंटा और उसके बाद बाबा को जूस देते थे तो बाबा को जूस का गिलास दिया गया बाबा ने उसे दृष्टि दी तो जैसे ही दृष्टि दे रहे थे ना साथ में बैठी थी सील इंदिरा दादी कईयों ने नाम सुना होगा बॉम्बे में थी वो बाबा उसको गवर्नर कहते थे बड़ी खुश दिल बहुत ही एक्टिव बाबा के लौकिक संबंधी भी थे तो बहुत क्लोज थे तो जैसे ही बाबा जूस को दृष्टि दे रहे थे ना उसने पूछा बाबा आप किसे याद कर रहे हो हम तो नहीं पूछ सकते ना डरेंगे लेकिन वो बहुत समीप थे ना लौकिक में भी तो बाबा ने अब शिव बाबा ने उत्तर दिया कि जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना था शिव बाबा ने उत्तर दिया अब इसको किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है राजभरी बात है योग हम बहुत कर लें लेकिन स्मृति स्वरूप न हो जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं तुम कौन हो महान पूर्वज विश्व कल्याणकारी बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा समझ गए ना उनका स्वरूप हम ना बने योग कर लें लेकिन मन में ईर्षा द्वेष हो तो हम विश्व कल्याणकारी का स्वरूप नहीं बने योग बहुत कर ले, लेकिन क्रोध न जा रहा हो तो हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं बने तो ये लंबा समय एक साथ बैठने की गलती नहीं करनी है रात को भी बहुत जाग जाग कर चाय पी पी कर भी योग नहीं करना है कई लोग चाय का थर्मस रख लेते हैं ना नींद आ रही तो चाय पी फिर झुटका आया फिर चाय पी ये भी योग नहीं योग तो परमात्मा प्रेम में मगन होना है ना वो कोई हट थोड़ा ही है कि ध्यान लगाना है वो तो हमें कर्म में और चलते फिरते बहुत अच्छी अनुभूतियां करनी है तो श्रेष्ठ स्मृति देखो स्मृति दिलाई बाबा ने चौरासी जन्मों का खेल पूरा हुआ अब चलना है ये स्मृति अब जब घर चलना है सब कुछ छोड़कर तो इसका स्वरूप क्या होगा यहां से वैराग्य यहां से अनासक्त, यहां से मोहनस्ट होता जाएगा यह है इस स्मृति का स्वरूप बनना तो हम स्वरूप बनते चले बाबा ने कहा करण करावन हार मैं हूं तुम केवल निमित्त हो यह भी तो स्मृति है न? जिसको ये स्मृति रहेगी वो बोझ मुक्त रहेंगे मैपन से मुक्त रहेंगे यह हो गया उसका स्वरूप तो सेवाओं के फील्ड में मान अपमान सब मिलता है तो हम बात कर रहे थे एक तो मान के लिए कार्य ना करें दूसरा जब हम अच्छा काम करेंगे तो मान तो मिलेगा ही ये तो बड़ा नेचुरल है ना लेकिन हम उस मान को स्वीकार न करें स्वीकार करने का अर्थ है कि हम फूल जाएं वाह मैंने कितना अच्छा काम किया बाबा को साइड कर दें, जिसने किया है इसको कहते हैं स्वीकार करना थोड़ा अहम भी आ जाए उस उसमें बहुत खुश हो जाएं और असली चीजें भूल जाएं। एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ देखो हमने तो बाबा से इसी तरह सीखा बात 72 की है 1972। तब हम लोगों के यहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी छोट छोटी उसको सेमिनार कहते थे तो बॉम्बे में एक सेमिनार हुआ तीन दिन का तो जब यज्ञ छोटा था जब ऐसे सेमिनार होते थे तो सभी बड़े बड़े भाई बहनें वहाँ पहुँचते थे तो पहुँचे मधुबन में भोग लगा श्याम को हम भोग में दोनों टाइम जाकर बैठते थे क्योंकि संदेशी ध्यान में जाकर कुछ संदेश लाती थी वो बहुत सुंदर बातें होती थी हमारे लिए तो बाबा ने संदेशी को दिखाया कि बॉम्बे में प्रोग्राम पूरा हो गया है सेमिनार की सफलता में सभी खुशियाँ मना रहे हैं दिखाया उसको वहीं से दिखा दिया सब कैसे खुश हैं बहुत चेहरे चमक रहे हैं तो फिर क्या कहा होगा लेकिन उसको भूल गए हैं जिसने सफलता दिलाई वो किसी को याद नहीं है हमने सीख लिया तब से कि यह असली बात जिसने काम किया है हम उस सफलता को भी उसको ही समर्पित कर दें, जो हमें मान मिल रहा है वो भी उसको ही समर्पित कर दे वो उसका ही मान है ना तो हम मान को अपने लिए स्वीकार नहीं करेंगे तो अपमान सहने की शक्ति आ जाएगी अगर मान स्वीकार करते रहे तो मान की इच्छा बनी रहेगी ना और कहीं ना मिला तो स्थिति बिगड़ जाएगी सेवा छोड़ देंगे रोस जाएंगे इसलिए स्वीकार नहीं करना तो अपमान को निंदा को सहने की भी शक्ति आ जाएगी अब इसके अलावा हमें चिंतन करना है अच्छा थोड़ा सबको इन चीज़ों से गुजरना होता है जो सेवाओं में हैं, अपने अपने कार्यों में है कभी कार्य सफल होते कभी नहीं होते कभी कोई हमारी महिमा करेगा वाह कितना अच्छा काम किया तो कभी कहेगा ये क्या कर दिया तुमने दो चार सुना भी देगा तो सुनना उसको ही पड़ता है जो कुछ करता है जो कुछ करता ही ना हो ईर्षा भी तो उससे ही लोग करेंगे ना जो बड़े काम कर रहा है जो घर में सोया हो उससे कोई क्या ईर्षा करेगा तो अगर हमारी निंदा हो रही है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई गलती तो नहीं है लेकिन अगर ईर्षावश लोग बोल रहे हैं तो हमें उसमें अचल अडोल रहना चाहिए चिंतन करेंगे जितने भी बड़े लोग हुए उनकी केवल महिमा ही हुई या निंदा भी हुई पहले निंदा यही बात ठीक है महिमा भी हुई चाहे महात्मा गांधी थे स्वामी विवेकानंद थे टैगोर थे और बहुत सारे महान पुरुष भारत में तो हो रहे होते रहे ना लोकमान्य तिलक थे अभी अभी की बात कर रहे हम वल्लभ भाई पटेल थे जहाँ लोग उनकी महिमा भी करते आए कि उन्होंने सब रियासतों को समर्पित कराया तो लोग गाली भी देते हैं कई तो जो कुछ करता है निंदा उसकी ही होती है तो योग की शक्ति से हम अपने को पावरफुल भी बनाएं और इसको सहज भाव से लें अगर निंदा हो रही है तो हम और आगे बढ़ने लगें ये सबसे सुंदर बात है मैंने कई जगह एक बात सुनाई है प्रधानमंत्री जब लंदन में गए थे ना तो भारतीयों से मिल रहे थे तो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे एक ने पूछा आपके बारे में लोग बहुत बोलते हैं आप क्या कहना चाहेंगे तो उन्हें बड़ी अच्छी बात कही सुनाई ना मैंने कई बार लोग मुझ पे पत्थर फेंकते हैं और मैं उन पत्थरों की सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूं कितना ब्यूटीफुल कमेंट है ना यह है एक महान दृष्टि कौन अब पत्थर फेंकने वाले तो फेंकेंगे क्योंकि उनको ड्यूटी मिली हुई है ड्यूटी आई या नहीं लेकिन हम उन पत्थरों से घायल ना हों उन पत्थरों से अपने को और शक्तिशाली बना लेके अगर वो हमें लग भी जाए तो हम फौलाद के हैं घाव होगा ही नहीं मन में भी और आगे बढ़ते चले तो जो निंदा सुनकर रुकते नहीं हैं अपनी मंजिल की ओर चलते हैं निंदक अपना काम करना छोड़ देते हैं उनका जो ये पुण्य का काम है निंदा करना वो छोड़ देंगे भाई ये तो पत्थर के हैं इन पर तो कोई असर नहीं होता छोड़ो किसी और को पकड़ो अब क्योंकि निंदा तो उन्हें करनी है एक की नहीं तो दूसरे की इसलिए आगे बढ़ते चले बातों में उलझे नहीं उनसे भी ना उलझे तुम क्यों ऐसा बोलते हो भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है मेरे से क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो ठीक है कहीं कहीं ऐसे बोलने से भी काम बन जाता है लेकिन सब जगह नहीं हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से आगे चलते चलें बस रुकें नहीं ये बात हमें बहुत ध्यान देनी है तो निंदा हमारे लिए उन्नति की सीढ़ी बन जाएगी बस ये स्लोगन याद रख लें अगर हम निंदा से प्रभावित नहीं होंगे अगर निंदा सुनकर हम अपनी खुशी नहीं छोड़ेंगे अगर निंदा सुनकर हम अपने कदमों को नहीं रोकेंगे तो निंदा हमें मंजिल पर पहुंचाने वाली बन जाएगी बल आ जाएगा हम में और अगर हम निंदा सुनकर निराश होने लगे कहने लगे यहाँ तो लोग बहुत बोलते हैं यहाँ तो जीना ही मुश्किल है तो हम कमज़ोर होते जाएंगे और निंदा से हमें डर लगने लगेगा यह डर बहुत खतरनाक है जो हमें कुछ भी करने नहीं देगा ठीक बात है ना ये हम डरेंगे कि कहीं निंदा ना होने लगे इसलिए अच्छे कर्म करते भी डरेंगे ये डर हमें और निर्बल बनाएगा इससे भी हमें ऊपर निकलना है इसलिए मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सब में समान देखो मैं अपना अनुभव सुनाऊं मैं सोचता था छोटा अब यज्ञ में आ गए तो काम करते थे किचन का काम कुछ तो आता नहीं था कभी कुछ जला दिया कभी कुछ कच्चा रख दिया तो निंदा तो होगी महिमा बहुत होती थी कि नया लड़का आया है बहुत अच्छा हो गया है अच्छा एकदम अच्छा लेकिन कभी चावल कच्चे रख दिए तो कहने वाले कई आ जाते थे बस योग योग करते हो चावल तो कच्चे रख दिए हमारे पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हें अकल नहीं है खाना बनाना नहीं आता है कई महावाको उच्चारण करते थे तो बाबा की मुरली में यह आता ही रहता है ज्ञानी तो आत्मा वो जो मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान रहे तो यहां से मैं सोचने लगा कि समान तो तभी रहने का प्रश्न है ना जब स्थिति बिगड़ती है निंदा होती है हार होती है ग्लानी होती है नुकसान होता है ये न हो तो समान रहने की बात क्यों तो ये होगा और हमें समान रहना है नहीं तो मैं सोचता था कि शायद हम बहुत गलती करते हैं गड़बड़ है ये है वो है लोग हमसे खुश नहीं संतुष्ट नहीं है इसे निराशा आती थी मन में तो बाबा की ये बात सुनते ही दृढ़ता आ गई पावर आ गई कि नहीं ये सब होगा फिर मुझे बचपन से ही बायोग्राफी पढ़ने का शौक़ था बहुत महापुरुषों की तो मैं देखता था कि जितने मान पुरुष हुए धार्मिक क्षेत्र में उन सब की बहुत ग्लानी होती थी स्वामी दयानंद की मैं बहुत पढ़ता था स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक बड़ी ग्लानी लोगों ने ही मारने के लिए तैयार उन्हें आखिर मार मार ही दिया उसको मार दिया गया था तो स्वामी विवेकानंद विदेशों में गया तो महिमा बहुत हुई लेकिन भारत के अखबारों में ग्लानी बहुत होने लगी अमेरिका के अखबारों में प्रशंसा तो भारत के अखबारों में ग्लानी वो तो मछली खाता है वहाँ भी वो तो ऐसा है न जाने क्या क्या बातें करते रहे जबकि उसका ब्रह्मचर्य तो बड़ा मज़बूत आदर्श था लेकिन उसके बारे में बोलने लगे लेकिन लोग रुके नहीं इसलिए महान बन गए तो हम सब भी ये सीखते चले ये सब होता रहेगा हार भी होगी या नहीं होगी हार होगी हार टीम कितनी भी पावरफुल हो लेकिन हार तो जाती है ना देखो भारत की क्रिकेट की टीम या हॉकी की टीम या बहनों की टीमें हैं आजकल तो स्ट्रांग होने पर भी कोई ज़ीरो पे आउट हो जाता है इसका अर्थ ये तो नहीं होता ना वो कहते कि अब तो मैं खेलूंगा ही नहीं जीरो पे आउट हो गया अब वो अनैलिसिस करते हैं कि गलती कहाँ हुई हम नर्वस हो गए थे हमने गलत कदम उठा लिया उसको करेक्ट करते हैं इसलिए बाबा ने कहा हार से घबराओ नहीं ये खेल हार और जीत का है हार हुई है तो जीत भी अवश्य होगी हार से अपने को निराश भी नहीं करो अपनी हार को पुनः जीत का साधन बना लो और हारने के बाद भी मन से नहीं हारो इम्पोर्टेंट बात यह है देखो जिन लोगों ने इस संसार को जगमगाया है लाइट हमारे पास तो केवल लाइट लगी हुई है और स्विच हैं हमें थोड़ा ही पता किसने कितनी मेहनत की होगी ये लाइट संसार को देने के लिए हम जब छोटे थे तो गांव में तो लाइट का प्रश्न ही नहीं उठता था लालटेन ही जलती थी इसलिए रात को कभी पढ़ते ही नहीं थे लालटेन की रोशनी में कहाँ तक पढ़ेंगे तो जिस व्यक्ति ने ये मेहनत की वो कितनी बार सफल हुआ लेकिन हार नहीं मानी कि मुझे ये काम करना है कि बिजली को लाइट में बदलना है बिजली तो पावर है ना एक उसको प्रकाश में बदलना है ऐसा फिलामेंट बनाना है तो सफल हो गया आखिर संसार जगमगा उठा है ऐसे बहुत सारी रिसर्च हुई उससे संसार में बहुत सुख मिले आजकल जो बाबा कह रहे हैं एक बात कई बार आ चुकी है पिछले सौ साल में दुनिया में क्या कर दिया साइंस ने और जब साइंस रिफाइन हो जाएगी तो अब क्या कर देगी अगले सौ साल में सौ साल भी नहीं लगेंगे पचास साल ही लगेंगे क्योंकि सौ साल तो धीरे धीरे डेवलप होने में लगा है ना रिसर्च हुई अब देवताओं को तो रिसर्च करनी नहीं है उन्हें तो रिफाइन साइंस मिलेगी तो पच्चीस 30 साल में सब कुछ तैयार हो जाएगा पुष्प विमान भी यहीं बन जाएंगे यहीं कलयुग के वैज्ञानिक हमें देकर जाएंगे ये सब टेक्नोलॉजी तो हम सभी अब ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें मैं आपको लास्ट बात कहना चाहूँगा साइलेंस पावर साइंस का आधार है साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे हमारी साइलेंस पावर के वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक वैज्ञानिक जो कोई विशेष रिसर्च कर रहा है अब किसी एक रिसर्च का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को देना कठिन होता है टीम होती है वैज्ञानिकों की वो सब मिल के उस पर काम करते हैं लेकिन जो डायरेक्टर है जो डायरेक्शन देता है जो कार्य कराता है उसका नाम से वो रिसर्च फेमस होती है पर टीम होती है वैज्ञानिकों की तो हमारे जो वाइब्रेशन इधर से जाएंगे वो उनके माइंड में वो चीज़ें जैसे अंदर भेज देंगे उन्हें टच होगी उन्हें विचार आएंगे ये करो, ये करो। आइंस्टाइन के लिए भी लोग कहते हैं कि वो साइंटिस्ट योगी भी था बेड पे लेटा रहता था आँख बंद करके और दूर दूर का देखता रहता था मन की आँख से तो उसका जो चिंतन था उसको जो इंट्यूशंस मिलती थी प्रेरणाएं वो ज़बरदस्त होती थी तो एक वैज्ञानिक भी जो जितना साइलेंट है बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक भी बेचारे टेंशन में आ जाते हैं काम काज की टेंशन में नहीं परिवार की टेंशन टीम है उसमें टेंशन वहाँ ईचा द्वेष के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती रहती हैं मेरा नाम हो जाए ये माया वहाँ भी रहती है लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक इन सब से ऊपर उठ अपने मन को शांत करे बहुत प्रसन्न करे तो उसकी रिसर्च फटाफट होगी बहुत सुंदर होगी जो कोई नहीं कर पा रहा वो होगा तो हमारे साइलेंस के वाइब्रेशन इसमें बहुत काम करेंगे और क्या होगा अब ये साइंस तेजी से अब परफेक्ट हो जाएगी रिफाइन परफेक्ट और वो चीजें यहीं निर्माण कर देगी जो सत्युग त्रेता में हमें काम में आएंगी देवता नहीं करेंगे रिसर्च यही के वैज्ञानिक और इसमें काम करेगी हमारी साइलेंस पावर तो जब साइंस परफेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा ये बाबा के महावाक्य हैं परफेक्ट साइंस इम्परफेक्ट मनुष्यों का विनाश करेगी इम्परफेक्ट माना अपूर्ण जो कलयुगी अपूर्ण मनुष्य हो गए हैं पूरे बताया ना दो कला से सोलह तामसिकता भ्रष्टाचार भी जो सोलह कला पर पहुंच गया है उस सबको नष्ट करेगी और जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होंगे देवता उनके काम आएगी तो ये काम हमारी साइलेंस पावर से हो रहा है होगा इसलिए अपने चित्त को शांत करके योग अभ्यास करेंगे वो हमें पता नहीं चलेगा हमारे वाइब्रेशंस कहाँ क्या कर रहे हैं पर ये वाइब्रेशंस वंडरफुल काम इस संसार में करते रहेंगे ओम शांति सभी सेवाधारी खुश हैं खुश हैं अच्छा अभ्यास करना अच्छी कमाई करके जाना यहाँ से